इन मेरे इस अचीवमेंट में आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, एस्ट्रोनॉमी रिसर्च कर रही हूँ, मैंने अपना एक माइनर प्रोजेक्ट भी दिया है जूनो पे, जुपिटर पे। एंड आज मेरे इस अचीवमेंट में मेरे मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं कहूँगी, कहते हैं ना कि अपना खाना छोड़कर मुझे खाना दिया है और अपना रहना छोड़कर मुझे रहना दिया है। एंड एक्सेप्ट दैट थिंग आई वुड से कि गर्ल्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जितना जिद मेरे अंदर थी, दो गुना भी अगर बना लेना तो आप मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, एंड यू हैव टू डू इट। महिला दिवस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं महिलाओं? महिला दिवस पे हो या बिना महिला दिवस पे, हर रोज़ मैं एक ही बात कहूँगी साल के 365 दिन कि लड़कियों को जो चाहिए, कहते हैं ना कि सब, जब हम सुबह जगते हैं तो हमारे पास एक नई फ्रेश मॉर्निंग होती है और फ्रेश आइडियाज़ होते हैं अपने लिए करने के लिए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आइडिया आपके दिमाग में सबसे पहले आए तो पूरा दिन उसको पहले पूरा करने पे लगाया जाए और उसके बाद आप कुछ करें। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी, जब तक आप कुछ नहीं पा सकते हो। देखो, मैं आती हूँ एक गाँव से, बहुत छोटा गाँव है हरियाणा में, जो आपका यूपी और हरियाणा दोनों का, कहते हैं आप, मिक्सअप हो सकता है। आप एक लाइन से आती हूँ। प्रॉब्लम्स कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन जो मैंने सहन किया वो ये था कि घर से निकलते ही अगर हाथ में फ़ोन देखा तो लड़कों ने मुझे अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कि कहते ना कि एक हाथ में फ़ोन देखकर ही दे आर जजिंग मी कि सी इज़ लूज़र एंड सी इज़ जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। एंड इवन मैंने जब अपना मास्टर्स किया था यहाँ से, आई वॉज हाईली एजुकेटेड गर्ल, आई अवॉर्डेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑन दैट टाइम दे केम टू नो कि दैट आई हैव डन माई मास्टर। इवन देन उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैंने अपना मास्टर भी किया हुआ है। वो सोचते थे कि जस्ट मैं फ़ोन लेके इधर उधर बस घूमती रहती हूँ, दैट्स इट। हमेशा उन्होंने अब्यूज़ ही किया है, कभी भी उन्होंने मुझे, कहते हैं ना कि, इनकरेज करने की कोशिश नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, आप अच्छा कर रहे हैं। चाहे बुड्ढा हो या जवान हो, चाहे बच्चा हो या कुछ, कोई भी हो, हर किसी ने सिर्फ यही बोला है कि गर्ल्स के हाथ में फ़ोन है, दैट मीन्स इज लूज़र, दैट्स इट। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ 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 लड़कियों को जज ना करें, जो आपको दिख रहा है वो होता नहीं है, उसके अंदर कुछ और ही होता है। मेरे हाथ में फ़ोन था और आज मैं फ़ोन से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे नफरत ना करते तो आज मुझ में इतना जज्बा नहीं होता वो सारी चीज़ें पाने का जो मैंने पाया है और मैं पाने जा रही हूँ। सर, अच्छा, मैं जिस दिन फील करूँगी, जिस दिन मेरे से इंस्पायर होके एक लड़की भी अगर अपना ड्रीम कंप्लीट कर लेगी, उस दिन मैं सोचूंगी कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। उससे पहले तो मैं अभी अधूरी हूँ, अभी मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। जिस दिन बन जाऊंगी उस दिन भी मुझे इतना फील नहीं होगा जितना जिस दिन होगा जब लड़कियाँ मेरे को देखकर कहेंगी कि हाँ, हमें इनसे कुछ सीखने को मिला है। मैं साइंटिस्ट बनने जा रही हूँ। साइंटिस्ट बनने जा रही हूँ, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के लिए? हाँ जी, शायद एस्ट्रोनॉमी एक नासा के ही पास है, और नासा से मुझे ऑफ़र भी आया था 19 जनवरी को, मुझे मिला था उसका लेटर। लेकिन जो मैं जहाँ रिसर्च ऑलरेडी कर रही हूँ वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं उनके लिए अभी से ही काम करना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल, मैं महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी, सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी हो। स्ट्रगल करने की हिम्मत तभी आती है जब आपके अंदर जिद हो। जब तक जिद नहीं आएगी, पहली बात तो आपको एक ड्रीम देखना है, और उसके बाद अपने अंदर, कहते हैं ना कि, ये फील करना है कि वी हैव टू डू इट एंड जस्ट गो अवे, एवरीवन जस्ट गो अवे एंड डू इट। जिद लाओ एंड जस्ट गो अवे एवरीथिंग एंड डू इट। थैंक यू। नासा, जी हाँ, जहाँ से हमें एलियनों की कहानी सुनने को मिलती है, विश्व के अंदर बड़े बड़े उपग्रह छोड़ने की कहानी और न्यूज सुनने के लिए मिलती है, उसी नासा के लिए गिरिजा यदुवंशी, जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी देशवासी उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे देश का और पूरे विश्व के अंदर अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, और सबसे बड़ी चीज़, हरियाणा का नाम रोशन करें। ये मिसाल होगी उन महिलाओं के लिए कि जो महिलाएँ हमारे देश के बड़े बड़े इलाकों के अंदर बैठी होती, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक गांव से आने वाली महिला जो आज विश्व के सबसे बड़े साइंटिफिक संस्थान में जाने की तैयारी कर रही हैं, इसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में भी अगर जिद कोई कर ले तो हर बात पूरी हो सकती है। कैमरा पर्सन बुशरा खान के साथ मैं आसिफ खान, दिल्ली से।